दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइज, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर का आईपी चेक करना होगा तो आप कैसे पता करेंगे। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अपने कंप्यूटर का मुझे आईपी चेक करना है तो मैं कैसे अपने कंप्यूटर का आईपी चेक कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अपने कंप्यूटर का आप आईपी कैसे चेक कर सकते हैं। मैं दो से तीन तरीके, तीन चार तरीके मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर का या लैपटॉप का आईपी क्या है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ग्लोब का सिंबल दिख रहा है यहाँ पर। ये लैपटॉप है मेरा, तो इसमें वाईफाई भी है, इसकी वजह से यहाँ दिख रहा है। अदरवाइज आपके पास अगर कंप्यूटर सॉरी डेस्कटॉप है तो यहाँ पर एक छोटा सा कंप्यूटर का आइकन दिखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैपटॉप है तो ये ऐसा सिंबल दिख सकता है, और अगर कंप्यूटर है डेस्कटॉप है आपका तो यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर का आइकन दिखेगा। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है या राइट क्लिक करना है इस पर, यहाँ कर्सर ले जा करके, और आपको राइट क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आप, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 होगा या एक्सपी होगा तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इथरनेट ऑप्शन आ रहा है, इथरनेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर चेंज एडाप्टर्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इथरनेट आ रहा है, और ये वी इथरनेट, वी एम नेटवर्क। तो ये मैंने अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए ये दिख रहा है। अदरवाइज आपका अगर केवल सिस्टम में केवल लोकल एरिया कनेक्शन है तो केवल एक ऐसा दिखेगा, मेरा इथरनेट दिख रहा है। आपका हो सकता है कि लोकल एरिया कनेक्शन लिखा रहेगा उस पर। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना होगा, या जो भी आपके पास इथरनेट हो, जो भी लाइन हो, लोकल एरिया कनेक्शन का आइकन हो जो कनेक्टेड दिखा रहा हो। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये क्रॉस दिख रहा है, मतलब ये क्रॉस है तो ये कनेक्टेड नहीं है। अगर वो कनेक्टेड रहेगा तो ऐसे रहेगा, इस पे क्रॉस लगा हुआ नहीं रहेगा। तो आपको राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टी में जाना होगा। प्रॉपर्टी में जा करके आप TCP/IP v4 पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये दो तरह की आईपी होती है, एक स्टैटिक आईपी होती है, एक डायनेमिक आईपी होता है। तो स्टैटिक आईपी इसको बोलते हैं, मतलब अगर यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस लिखा रहे और मैनुअली आईपी डली हुई है, जैसे ये 10.10.5 है, सबनेट मास्क 255.0.0 है, गेटवे ये है, और DNS आपका 10.10.10.2 है, 11 है। तो अगर ये यूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज हुआ है तो इसको स्टैटिक आईपी बोलेंगे। अगर ऑप्टन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है तो जैसे ही सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे आईपी नहीं दिखेगा, बट वो आईपी शो होगा। और क्या आईपी वो दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली रहेगा तो। अगर इस ऑप्शन पे सेलेक्टेड है, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्टेड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आईपी यहाँ से हट गई, मतलब ऑटोमेटिक आईपी लेगी, कंप्यूटर जो है आपका ऑटोमेटिक आईपी लेगा। तो इसको अगर ऑटोमेटिक आईपी ले रहा है तो उसको डायनामिक बोलते हैं, और यूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्टेड है, मतलब मैनुअली अगर आईपी डाला हुआ है तो उसको स्टैटिक आईपी बोलते हैं। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, स्टैटिक आईपी डाला हुआ बोलते हैं। इसको हमने कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल करता हूँ। आपने वहाँ देखा 10.10.5 था। अब चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं आप। स्टेटस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑप्शन है, डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सारी आई पीज दिख रही हैं वो जो वहाँ पर दिख रही थी आपको। तो IPv4 एड्रेस में आप देख सकते हैं 10.10.5 है, सबनेट मास्क ये है, डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, 10.10.1, IPv4 DNS सर्वर 10.10.2, 10.10.11। ये सारा आपका IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर का एड्रेस है। तो अगर आपका डायनेमिक आईपी है तो भी यहाँ पर आईपी आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे डायनेमिक, सॉरी जैसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया तो आईपी हट गई थी। तो अगर वहाँ पे आईपी कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको
इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा आपको, तो आपको आईपी दिख जाएगा, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। चलिए ये एक तरीका हुआ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और इसका आसान तरीका बताता हूँ आपको, आपको विंडो आर प्रेस करना है, रन खुल जाएगा। रन पर लिखिए ncpa.cpl, इसके बाद आपको इंटर करना है। आप देख सकते हैं ये ncpa.cpl रन पर हमने टाइप किया, इंटर किया, सेम वही ऑप्शन खुल गया जो हम यहाँ से जाकर के हमने खोला था। तो आपको यहाँ से जाकर के अगर नहीं खोलना है तो आप शॉर्टकट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, विंडो आर कीजिए, रन ओपन कीजिए, ncpa.cpl टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। इस ये ऑप्शन आपको नेटवर्क कनेक्शंस का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा और आपको लोकल एरिया कनेक्शन पे जाकर के या इथरनेट पे जाकर के आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैं इससे पहले दिखाया था आपको। चलिए एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, आप विंडो आर प्रेस कीजिए, cmd टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए आईपी कॉन्फिग, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईपी दिखा रहा है, IPv4 एड्रेस 10.10.10.5। गेटवे भी सेम है, वही जो वहाँ दिखा रहा था, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी 10.10.1 है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको DNS सर्वर का एड्रेस नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको DNS सर्वर का भी एड्रेस दिखना है, मतलब कंप्लीट IP एड्रेस दिखना है, तो IP config स्पेस दीजिए /ALL ऑल कीजिए। इससे क्या होता है, पूरी IP का इंफॉर्मेशन शो होता है। थोड़ा सा इसको अप कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप IPv4 एड्रेस 10.10.10.5, सबनेट मास्क 255.0.0.0, डिफॉल्ट गेटवे 10.10.1। यहाँ पर देखिए DNS सर्वर का एड्रेस भी अब दिखा रहा है, जबकि अगर हमने IP कॉन्फिग किया था तो केवल IP दिखा रहा था, जो कि यहाँ ऊपर आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, अगर IP कॉन्फिग मैंने टाइप किया या IP कॉन्फिग टाइप किया और इंटर किया तो इतने ही एड्रेस दिखा था, केवल IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। जबकि जबकि मैं IP कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल टाइप किया, आपको दिखाता हूँ। हाँ, देख सकते हैं आप, अगर IP config स्पेस स्लैश ऑल टाइप करके इंटर किया तो आप ये देख सकते हैं IP भी दिखा रहा है, यहाँ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, होस्ट का नाम भी दिखा रहा है और टेस्ट डॉट लैन भी दिखा रहा है, इसका डोमेन प्राइमरी DNS सफिक्स, और आपका यहाँ पे IP एड्रेस भी दिखा रहा है, सबनेट मास्क भी दिखा रहा है, गेटवे भी दिखा रहा है और ये DNS सर्वर की IP भी यहाँ शो हो रही है 10.10.2 और 10.10.11। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस चेक कर सकते हैं, सबनेट मास्क क्या है चेक कर सकते हैं, डिफॉल्ट गेटवे चेक कर सकते हैं और DNS का IP एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको ये 2 से 3 तरीके बताए हैं जिसके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का IP चेक कर सकते हैं और किसी से शेयर कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है, कोई फ्रेंड है या आपके ऑफिस का कोई कुलीग है आपसे पूछता है कि अपने कंप्यूटर की IP बताओ, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर का IP चेक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ, ऑफिस के जो आपके फ्रेंड हैं, कुलीग हैं या ऑफिस टीम मेंबर हैं, उनके साथ अपने कंप्यूटर का IP आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ आपको लगता है कि कुछ आपकी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिवर्ट करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।